Good morning, students. Today we are going to read chapter number 9. And what is the heading of the chapter number 9? That is Golden Touch. Before this, which chapter we did? Before this, we read chapter number 8, that is Sikkim. And now it's the turn of Golden Touch. Wow words are castle, greedy, rosy cheeked, strange, shone, bored, grand, forward, slice, remained, statue, banged, forgiveness, disappointed, hurty. Long, long ago, there lived a king named Midas, who was very, very rich. बहुत बहुत टाइम पहले की बात है, एक किंग रहते थे और उनका नाम क्या था? मिदास. और वो बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत पैसे वाले थे. He had more gold than any other king in the world. उनके पास जो दुनिया में और जितने भी राजा थे उनसे भी ज़्यादा गोल्ड था. एंड ही लव्ड ऑल ऑफ इट. और वो अपने सोने को, गोल्ड को बहुत प्यार करते थे. वन रूम ऑफ हिज कासल वॉज फिल्ड विद गोल्ड पीसेस. उनका जो महल था उसका एक रूम सिर्फ गोल्ड के पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों से भरा हुआ था. बट द ग्रीडी मैन दैट ही वॉज ही ऑलवेज वॉन्टेड मोर. पर वो इतने ज़्यादा लालची इंसान थे कि वो और भी ज़्यादा गोल्ड चाहते थे. He lived alone in the big castle with his rosy-cheeked, pretty little daughter Marigold. वो उस पूरे बड़े महल में अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे जिसका नाम था Marigold. और Marigold के गाल कैसे थे? बिल्कुल रोज जैसे. Though he was very fond of her, he would spend most of his time counting his gold. वैसे वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे पर वो ज़्यादातर अपना टाइम सिर्फ गोल्ड को काउंट करने में लगाते थे. वन डे वाइल ही वॉज बिजी डे ड्रीमिंग अबाउट मोर गोल्ड, अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड. एक दिन क्या हुआ, वो बैठे बैठे सोच रहे थे, वैसे ही सपने देखने लग रहे थे जागते हुए कि मेरे पास और गोल्ड आ जाए, और गोल्ड आ जाए. तभी एक अजीब सी चीज़ हुई. क्या हुई? अ ब्राइट लाइट शोन इन हिज रूम एंड ही सॉ अ फेरी अपीयर बिफोर हिम. एकदम उनके सामने ब्राइट लाइट, बहुत चमकती हुई रोशनी आई और उसमें उन्होंने क्या देखा? किसको देखा? फेरी को देखा. हर ड्रेस वॉज मेड ऑफ द फाइनेस्ट गोल्ड एंड शी कैरिड अ गोल्डन वॉन्ड. उसकी जो ड्रेस थी वो बिल्कुल गोल्ड से बनी हुई थी और उसके हाथ में एक गोल्ड की छड़ी थी. शी हैड अ डेंटी गोल्डन बैग इन हर हैंड विच हैड सम फाइन गोल्ड डस्ट. उसके हाथ में एक डेंटी गोल्डन बैग था जिसके अंदर गोल्ड का पाउडर था. शी शॉवर्ड द किंग विद सम ऑफ द गोल्ड डस्ट एंड बोर्ड बिफोर हिम. उसने क्या किया? गोल्डन पाउडर निकाला और किंग के ऊपर ऐसे ऐसे करके छिड़क दिया और उनके आगे झुके. द फेरी सेड मिदास यू आर द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. फेरी ने बोला, मिदास तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो. नो वन एल्स हैज एज मच गोल्ड एज यू. किसी के पास इतना सोना नहीं है जितना तुम्हारे पास है. आई ग्रांट यू वन विश. मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करती हूँ. मिदास रिप्लाइड, आई वुड लाइक Midas replied, I would like more gold for there is nothing more wonderful than gold in the world. Midas ने reply किया, मेरे को और सोना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में सोने से ज़्यादा wonderful कुछ भी नहीं है. Everything I touch should turn to gold. मैं जिस भी चीज़ को touch करूँ वो gold में बदल जाए. Are you sure? asked the fairy. फेरी ने बोला, क्या तुम्हें श्योर है? तुम पक्का, फाइनल है तुम्हारा डिसीजन? आई एम वेरी श्योर answered मिस मिदास. मिदास ने आंसर किया, हाँ मैंने पक्का सोच लिया, मैं श्योर हूँ. वेल योर विश विल बी ग्रांटेड आफ्टर सनराइज टमोरो. एवरी थिंग यू टच विल टर्न इन टू गोल्ड. फेरी ने बोला, मैं तुम्हें ये तुम्हारी विश ग्रांट करती हूँ, कल सुबह सूरज उगने के बाद तुम जिस भी चीज़ को टच करोगे वो गोल्ड में बदल जाएगी. बट आई वॉन्ट यू टू थिंक केयरफुली अबाउट योर विश. पर मैं तुम्हें अभी भी चेतावनी दे रही हूँ कि अपनी विश के बारे में ध्यान से सोचो. इट माइट मेक यू अनहैप्पी. क्या पता ये तुम्हें दुखी कर दे. कौशन द फेरी. फेरी ने चेतावनी दी. बट मिदास वॉज वेरी हैप्पी एंड लुक्ड फॉरवर्ड टू द न्यू डे. पर मिदास बहुत खुश था और अगले सुबह का इंतज़ार कर रहा था.
The next day he woke up excited and promptly dashed. अगले दिन वो excitement से उठा और promptly touched his bed. अपना bed touch किया. It turned to solid gold और वो solid gold में बदल गया. He quickly ran around touching everything he could see. वो भाग जल्दी जल्दी भागा और वो जिस चीज़ को देख रहा था उसी को टच कर देता. Everything turned to gold और सारी चीज़ें गोल्ड में बदल गई. Feeling hungry after running around his room, he moved to the dining hall to eat his breakfast. इधर उधर भागने की वजह से उसे भूख लगाई और फिर वो डाइनिंग हॉल की तरफ गया अपना ब्रेकफास्ट खाने के लिए. द स्लाइस ऑफ ब्रेड टर्न टू गोल्ड और जो ब्रेड की स्लाइस थी वो गोल्ड में बदल गई. इवन द ग्लास ऑफ क्लियर कोल्ड वाटर टर्न टू सॉलिड गोल्ड और जो बिल्कुल साफ पानी का ग्लास था ठंडे पानी का ग्लास था वो भी सॉलिड गोल्ड में बदल गया. He could neither eat nor drink anything. अब वो कुछ नहीं खा सकता था और पी सकता था. Just then his little daughter Marigold came running in and kissed him. और तभी उसकी छोटी सी बेटी भागी भागी आई और उसको किस किया. As he held her, she too turned into a golden statue. जैसे ही मिराज ने उसे टच किया वो भी गोल्डन स्टैचू में बदल गई. The king was very upset. अब किंग बहुत उदास था. He tried everything to bring his daughter back to life. But she remained a golden statue. उसने सब कुछ किया अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए पर वो golden statue में ही रही. Crying out aloud, he called for the fairy and begged her forgiveness. वो जोर जोर से रोने लगा और फेरी को बुलाने लगा और उससे माफ़ी मांगने लग गया. द फेरी अपीयर्ड बिफोर हिम एंड आस्क्ड. फेरी उसके सामने आई और उसने पूछा, डू यू स्टिल लव गोल्ड मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. क्या तुम अब भी दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड को प्यार करते हो. आ सैड एंड डिसअपॉइंटेड किंग मिदास स्लोली शुक हिज हैड एंड सेड, आई हैव लर्न्ड माय लेसन. दुखी हुआ परेशान मिदास अपना सिर हिलाते हुए बोलता है, मैंने अपना सबक सीख लिया है. आई नो लॉन्गर विश टू बी द रिचेस्ट मैन. अब मैं रिचेस्ट मैन बनने की विश नहीं रखता हूँ. आई ओनली वॉन्ट माई प्रीशियस डॉटर बैक. आई ओनली वॉन्ट माई प्रीशियस डॉटर बैक विद मी. मैं सिर्फ अपनी बहुमूल्य बेटी को अपने साथ वापस चाहता हूँ. आई प्रॉमिस टू शेयर माई वेल्थ विद द पुअर. मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी वेल्थ पुअर के साथ शेयर करूँगा एंड नीडी और जिनको ज़रूरत है. प्लीज़ रिलीज़ माई डॉटर. प्लीज़ मेरी डॉटर को सही कर दो. द गुड फेरी गेव हिम अ पिक्चर ऑफ वाटर. उस गुड फेरी ने उसको एक खाली बर्तन दिया जिसमें पानी था, खुला हुआ बर्तन. एंड टोल्ड हिम टू स्प्रिंकल इट ऑन ऑल द थिंग्स दैट हैड टर्न टू गोल्ड और उसको बोला कि इसे उन सब चीज़ों पे छिड़क दो जो गोल्ड में बदल गई है. किंग मिदास क्विकली रैन टू हिज डॉटर एंड स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन हर. किंग मिदास भागा हुआ अपने बेटे के पास गया और उसके ऊपर पानी छिड़क दिया. इंस्टेंटली शी केम बैक टू लाइफ और वो तभी के तभी वापस जिंदा हो गई. एंड गिव हिम अ किस और अपने पापा को किस किया. किंग मिदास नाउ स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन द रिमेनिंग थिंग्स. अब किंग मिदास ने बचा हुआ पानी और चीज़ों पर छिड़का जो गोल्ड में टर्न हो गई थी. हैप्पीली बोथ फादर एंड डॉटर सेट डाउन टू हर्टी ब्रेकफास्ट एंड किंग मिदास नेवर अगेन थॉट ऑफ कलेक्टिंग मोर गोल्ड. दोनों पापा बेटी अपने अच्छे से खाना खाने के लिए बैठ गए और किंग मिदास ने फिर दोबारा और गोल्ड इकट्ठा करने की नहीं सोची. फोन्ड ऑफ लाइक अ लॉर्ड जिसे हम बहुत पसंद करते हैं. वॉन्ड जो छड़ी जादूगर यूज़ करते हैं. डेंटी प्रीटी सुंदर. कॉशन वॉन्ड चेतावनी देना. एक्साइटेडली ईगरली लुक फॉरवर्ड टू आगे भविष्य की तरफ देखना. प्रॉम्प्टली इमीजिएटली एकदम प्रीशियस वैल्यू ट्रेजर बहुमूल्य अमूल्य. स्प्रिंकल डिस्पर्स हेयर एंड देयर इधर उधर छिड़कना. इंस्टेंटली राइट अवे एकदम से. पिक्चर एक खुला हुआ बर्तन एंड ओपन वेसल. हर्टी लार्ज वेरी सेटिस्फाइंग. अपोजिट वर्ड्स है सेल्फलेस ग्रीडी डल ब्राइट ऑफुल वंडरफुल यूजलेस प्रीशियस पॉवर्टी वेल्थ. हाउ वॉज किंग मिदास रिलेटेड टू मैरीगोल्ड. किंग मिदास मैरीगोल्ड से कैसे रिलेशन रखते थे. वो उसके पापा थे. हाउ मैनी विशेज डिड द फेरी ग्रांट किंग मिदास. किंग मिदास को फेरी ने कितनी विश दी थी. एक.
What was the first object he touched that turned to gold? पहला object क्या था जो gold में turn हो गया था? Bread. Which food item turned to gold? कौन सा food item gold में change हो गया था? Bread. What did King Midas sprinkle to bring his daughter back to life? क्या sprinkle किया था King Midas ने? पानी. Would you call King Midas greedy and why? Yes, King Midas लालची थे. क्यों? क्योंकि वो और gold पाना चाहते थे. One day while the king was busy daydreaming about more gold, a strange thing happened, right? What happened that day? जब King Midas daydreaming कर रहे थे तो एक अजीब सी चीज़ क्या हुई थी? एकदम उनके सामने बहुत ज़्यादा रोशनी आई थी और एक फेरी आई थी. Describe how the fairy was dressed. Fairy कैसी ड्रेस थी? She was wearing a golden dress and was having a golden wand. Why was King Midas unable to eat or drink anything? क्यों वो कुछ भी नहीं खा पा रहे थे और पी पा रहे थे? क्योंकि ब्रेड भी गोल्ड में चेंज हो गई थी और वाटर भी सॉलिड गोल्ड में चेंज हो गया था. Why did the king start calling out the fairy? King ने फेरी को क्यों बुलाना शुरू कर दिया था? क्योंकि उनकी बेटी गोल्डन स्टैचू में बदल गई थी. What did King Midas promise the fairy? King Midas ने प्रॉमिस क्या किया था फेरी को? कि वो कभी भी लालच नहीं करेंगे और गोल्ड नहीं पाएंगे और जितने भी गरीब इंसान है या ज़रूरतमंद है उनके साथ अपना गोल्ड शेयर करेंगे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी के अंदर की क्वालिटी होती है स्पेशली, जैसे ऑनेस्टी, फेलियर, सक्सेस, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी. फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस मैम अभी आपको नहीं करवाएंगे, जब हम ग्रामर का टॉपिक करेंगे तब इसको कंप्लीट करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपको प्रिंसिपल को वनडे के लिए लिखनी है. दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, यू मस्ट हैव रिटन इट कम्प्लीटली. Thank you. Bye-bye.